गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपने 7 यानी 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, और 7 चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, सोनम प्लेज फुटबॉल। सोनम फुटबॉल खेलती है, यानी कैसे खेलती है, क्या होता है, वो अपन इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए वार्म अप। मैच द अपोनेंट बॉल विद अस रेस्पेक्टिव गेम, यानी आपको उससे मैच करना है कि क्रिकेट में कौन सी गेंद का उपयोग करते हैं, बास्केटबॉल में कौन सी गेंद खेलते हैं, फुटबॉल में कौन सा है, फुटबॉल कौन सा है, टेनिस बॉल कौन सा है, उसको आपको मैच करना है, यानी वार्म अप है। तो ये आप अपनी बुक में कर देना। ओके, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, सोनम प्लेज फुटबॉल। सोनम फुटबॉल खेलती हैं। ओके, यस, देखिए बुक में ध्यान और मोबाइल की तरफ भी देखें। सोनम सॉ ए बॉय विल वॉकिंग इन द पार्क। सोनम ने एक लड़के को पार्क में टहलते हुए देखा। एक पार्क होता है, उसमें एक लड़का टहलता हुआ सोनम ने देखा। सोनम सॉ, सोनम ने देखा। सी वेंट टू द बॉय एंड सेड, वह लड़के के पास गई और बोली हाय। क्या बोला? हाय, आई एम सोनम, मैं सोनम हूँ। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सोनम उस लड़के के पास गई और बोला हाय, आई एम सोनम, आई एम सोनम, वॉट इज योर नेम। तो फिर आगे क्या होता है? आई एम सिड, उस लड़के ने जवाब दिया कि आई एम सिड, मैं सिड हूँ। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, उस लड़के ने कहा कि मैं सिड हूँ। फिर देखिए, वेन सिड एंड सोनम वेयर टॉकिंग, जब सिड और सोनम बात कर रहे थे, दे सॉ हिज फ्रेंड्स वेयर कमिंग ऑन ऑफ सिड्स फ्रेंड, तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त आ रहे थे। किसके दोस्त आ रहे थे? उस लड़के के। ओके, यानी सिड के। फिर देखिए, वन ऑफ सिड्स फ्रेंड्स, सिड के दोस्तों में से एक आशीष, यानी जो सिड्स के फ्रेंड्स आ रहे थे उनमें से एक फ्रेंड का नाम था आशीष। क्या नाम था? आशीष। आस्क सिड, आशीष ने सिड से पूछा, हु इज दिस गर्ल, यह लड़की कौन है? आशीष ने सिड से पूछा कि यह लड़की कौन है। सिड सेड, सिड ने कहा, दिस इज सोनम, यह सोनम है। यानी आशीष ने पूछा कि यह लड़की कौन है, तो सिड ने कहा दिस इज सोनम, यह सोनम है। आशीष सेड, आशीष ने कहा ओके ठीक है। फिर आगे देखिए, वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, हम सब फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। सिड, आर यू कमिंग विथ अस, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? यानी उसने कहा कि हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? फिर देखिए, सिड रिप्लाई, सिड ने सिड रिप्लाइड, सिड ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? यस, हाँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। यानी सिड ने भी कहा कि हम फुटबॉल खेलने जाएंगे और मैं भी आ रहा हूँ। ओके, फिर देखिए, सी सेड, एक वन सेकेंड स्टूडेंट्स, यस आई एम कमिंग, यहाँ तक अपने पढ़ लिया। देखिए फिर आगे देखिए, सोनम आल्सो वांटेड टू प्ले फुटबॉल, सोनम भी फुटबॉल खेलना चाहती थी, क्योंकि सोनम ने उस सिड से अपना इंट्रोड्यूस कराया कि मैं भी, उससे बात हुई। फिर वह जैसे ही सारे फ्रेंड्स फुटबॉल खेलने जा रहे थे, तो सोनम ने भी कहा कि मैं भी फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। सी सेड, उसने कहा, वेट, रुको, आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम, मैं भी आना चाहती हूँ।
जैसे फ्रेंड जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि रुको, मैं भी आना चाहती हूँ, यानी मैं भी फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। आशीष टर्न्ड राउंड एंड सेड, आशीष घुमा और कहा, आशीष जो किसका फ्रेंड था, सिड का, वो घुमा, ऐसे घुमा, पीछे घुमा और कहा, यू आर ए गर्ल, आप एक लड़की हैं, गर्ल्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं। सोनम सेड, सोनम ने कहा, बट आई वॉन्ट टू प्ले, लेकिन मैं खेलना चाहती हूँ। आशीष आस्क्ड, आशीष ने पूछा, डू यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलना जानते हैं। फिर आगे सोनम क्या रिप्लाई देती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपने चैप्टर स्टार्ट हुआ है 8, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो आपको उसको लर्न करना है और याद रखना है कि उसका अर्थ यानी मीन्स क्या होता है। ओके, यदि जितना पढ़ा है इतना समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को एक बार और देख लें ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन सोनम क्या रिप्लाई देती हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क आपको मिट्सी और पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।